हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि कैसे आप घर पर हेयर कट कर सकते हैं और लुक को कैसे अपने सिंपल हेयर कट से कैसे आप अपने लुक को एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पिक लगाई हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने हेयर कट किया, तीन लेयर में कट किया है, तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने बालों को, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, ये हमारा स्टेप वन रहेगा, अच्छे से कॉम्ब करना है। कोई भी टैंगल नहीं होने चाहिए आपके बालों में। और यहाँ पर मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। टैंगल्स रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद अपने फोरहेड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है और अपने सभी बालों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके अच्छे से फिर से कॉम्ब करना है। तो आप जितना ज़्यादा कॉम्ब करेंगे उतने ज़्यादा टैंगल फ्री होंगे। तो मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि मेरे जो नीचे से बाल हैं वो पूरे डैमेज हो चुके हैं। तो मैं जो हेयर कट करूँगी वो नीचे से करूँगी। और ये डिपेंड करता है आप कितना हेयर कट अपना, कितना लेंथ आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपने बालों को इस तरीके से एक रबर बैंड की हेल्प से बहुत ही टाइटली उसको बाइंड करना है और बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए ये, इस तरीके से। और उसके बाद आपको फिर से कॉम करना है। कॉम करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे कि ये जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, तो मैं इन्हीं को कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कॉम कर लिया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पर कट करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं सीजर हैंडल करना है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इतने बाल कट करूंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे डैमेज हैं, वेवी हो चुके हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज है मेरे बाल। तो और उसके बाद कट करना है अच्छे से। एंड देन उसके बाद ऐसे क्रिस क्रॉस करके, क्रिस ऐसे क्रॉस में 45 डिग्री एंगल पे आपको अपने सीजर को रखना है और उसी तरीके से कट करना है। मेरा पूरा वन लेयर हो चुका है। वन लेयर मींस नीचे का हो चुका है पोर्शन। एंड उसके बाद मैं फिर से अपने बालों को कॉम कर लूँगी अच्छे से। टैंगल्स नहीं होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर बालों को हाफ सेकेंड लेयर में करने वाली हूँ यहाँ पर। तो सेकेंड लेयर के लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक पोनी बना ली है, यहाँ जहाँ से हमारा ईयर स्टार्ट होता है। तो आपका जो मेजरमेंट होगा वो यहीं से होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने पोनी बना लिया है टाइटली फिर से। और उसके आगे आप देख सकते हैं ईयर के पास से मैंने इसका मेजरमेंट लिया है। उसके बाद मैं इसको बैक कॉम फिर से करूँगी अपने उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर रही हूँ, वाटर स्प्रे कर रही हूँ। इससे आपके जो बाल हैं वो जितने ज़्यादा वेट रहेंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी आपके बालों में। तो कॉम कर लिया है मैंने फिर से। अब फिर से मैं यहाँ पर इसको कट करने वाली हूँ। सीजर को हमें 45 डिग्री के एंगल पर ही कट करना है, स्ट्रेट नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको भी कट कर लूँगी और छोटे छोटे अपने सीजर की हेल्प से इस तरह से क्रिस क्रॉस करके भी आगे से जब ये कट करने के बाद इसको भी ऐसे क्रॉस कर लूँगी। ये मेरा सेकेंड लेयर हो गया है। अब मैं जा रही हूँ थर्ड लेयर पे। तो थर्ड लेयर जो है हमने ईयर के पास से हमने लिया था जो सेकेंड लेयर लिए। अब जो हमें थर्ड लेयर लेनी है वो हमें लेनी है अपने आईब्रो के पास से। तो आईब्रो के पास से हम लेने हैं, ये हमारा सेकेंड मेजरमेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे सेकेंड लेयर हो गया, मैं थर्ड लेयर पे जा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, अपने बालों की जो थिकनेस है वो पतला लेना है। और उसके बाद इधर आप इस तरह से क्लिप या क्लचर ले सकते हैं। और इसको मैं पार्टीशन में पहले डिवाइड कर लेती हूँ और पीछे के बालों को मैं फिर से बांध लूँगी अच्छे से। पीछे के बालों को मैं अच्छे से बांध लिया है मैंने। अब मैंने आगे के बालों को करना है इसको कॉम। उसके बाद मैंने यहाँ से क्लिप ली थी। जब आप इसको खुद से कट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे तो लेयर्स नहीं दिख रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से शफल करना है, मिक्स करना है। तो जो आपके जो बालों में जो लेयर्स है वो प्रोमिनेंट दिखने लग जाएंगे। बालों को मैं फिर से एक रबर बैंड की हेल्प से उसको बाइंड कर लूंगी टाइटली। ये मैंने बांध लिया है टाइटली। और उसके बाद मैं फिर से कॉम करूंगी अपने बालों को। और उसके बाद मैं स्प्रे करूंगी थोड़ा सा पानी
मेरे बाल सूख गए थे, अब मैं उन्हें फिर से गीला करूंगी। अब फिर से एक बार कॉम करूंगी और उसके बाद मैं कट करूंगी अपने बालों को। इतना मैं कट करूंगी, वही 45 डिग्री एंगल पे रहेगी मेरी सीजर। उसके बाद क्रिस क्रॉस करके मैं इस तरीके से अपने बालों को ट्रिम कर लूंगी, कट कर लूंगी नाइसली। अब ये हो गया है मेरा, ये मैं खोल दूंगी और ये मेरी हो गई है थर्ड लेयर। अब मैं आगे की जो फ्लीक्स है वो दूंगी। ये बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि छोटे बालों से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी फ्लिक्स आप, अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जिसका फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो उसके ऊपर फ्लिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं कॉम करूँगी और फिर से डिवाइड करूँगी। लाइक डिवाइड करना जो होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उसी से आपके बालों में पूरी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर अब मैं जो हमने जो थर्ड लिया था वो आईब्रो से लिया था, अब उससे ऊपर जो मिड पोर्शन होता है आईब्रो से, अब हम उसका जो सेक्शनिंग का जो मेजरमेंट है वहाँ से करेंगे। और यहाँ पर मैं उसके बाद अच्छे से इसको फिर से कॉम करूँगी और फ्लिक्स को मैं यहाँ पर फिर से कट करूँगी। पानी से मैं स्प्रे कर लूँगी। तो यहाँ पे आपको जितनी लंबी फ्लिक्स चाहिए आप, उसके बाद मैंने यहाँ पर कट लिया है जो पानी से जो हेयर है ऊपर नीचे, उनको मैं कट करूंगी। तो ये तो मेरा हो गया है कट, और आप देख सकते हैं, बट मुझे जो फ्लिक्स है वो थोड़ी और छोटी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से उनको डिवाइड करूंगी, फिर से कॉम करूंगी, और उससे उसके बाद मैं फिर से इसको कट करूंगी। और अभी हमें कोई भी रबर बैंड की ज़रूरत नहीं है, हाथ की हेल्प से आप कर सकते हैं। और ये मैंने कट कर लिए हैं, और ये आप देखेंगे कि अभी ये पूरा अच्छे से हो गया है। और इसी तरीके से आपको इसको छोटा छोटा, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, एक बार में आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वो कई बार बहुत छोटे हो जाते हैं, वो फिर इरीटेट देते हैं जब आप कोई काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मेरा आगे से जो लेयर्स है वो पूरे बन चुके हैं, और पीछे से भी जो लेयर्स हैं वो मेरे बन चुके हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये पूरे लेयर्स एकदम इवेंटली आ रहे हैं, और ये अच्छे से कट भी हो चुका है, और आप देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुली आए हैं लेयर्स मेरे। और पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लेयर बना है। तो लेयर का जो आपका जो डेप्थ होता है वो डिपेंड करता है, तो 1 inch तो आपको मिनिमम लेना ही लेना है, तो वो एकदम नाइसली बनते हैं। तो लेयर की जो कटिंग्स होती हैं उनको करने से आपके जो मिलता है आपके बालों को लेयर कटिंग करने पर, और ये सभी के जो फेस कट होता है उसके ऊपर सूट भी करता है बहुत अच्छा। तो आप देखेंगे, आप इस पे अलग अलग हेयर स्टाइल भी कैरी कर सकते हैं, लाइक ओपन कर सकते हैं, हाफ क्लच कर सकते हैं, पोनी बना सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हेयर स्टाइल कैरी करना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं ओपन बालों में आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा हेयर कट आया है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको सेक्शन का डिवाइड करना ज़रूर करना है, तभी वो एकदम इवेंटली कटेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने हाफ क्लच करके आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि ये कितने ज़्यादा नाइसली आए हैं हेयर कट। हाफ क्लच में आप देखेंगे कि मेरी फ्लिक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, और ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, और मेरे फेस पे तो यही ज़्यादा सूट करता है, तो मैं यही ज़्यादा रखती हूँ। और आप देखेंगे कि आगे से जो मेरी जो सेकेंड लेयर थी वो कितनी ज़्यादा अच्छी आई है। तो आप देखेंगे कि छोटा, आपको छोटे लगेंगे बाल, बट एक्चुअल में छोटे नहीं है। इसी तरीके से आप भी कट कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपको उसको पोनी से सिक्योर करना ही करना है कोई भी कटिंग करने से पहले, तो वो बहुत ही ज़्यादा इवेनली कट होता है, और आपको उसमें उतना ज़्यादा डर भी नहीं लगता, क्योंकि बाल बंध जाते हैं अच्छे से। तो आप देखेंगे कि खोलने के बाद भी इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लुक कैरी करना चाहते हैं। पोनी बना के भी दिखाती हूँ कि पोनी बनाने के बाद आपको कैसा लुक मिलता है। तो वेस्टर्न लुक पे कैरी कर सकते हैं, आपने कोई कुर्ती और लेगिंग्स पहनी है तो आप उस पे भी कैरी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरा हेयर स्टाइल पूरा हो गया है कंप्लीट, और जब आप इसको वॉश कर लेते हैं और थोड़ा सा ड्रायर लगा लेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो आपके जो वेव्स हैं जब वो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इवनली आपको दिखेंगे। तो ओवरऑल ये था मेरा वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो नीचे छोटू सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, सो दैट कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।